अनुराग वाजपेयी एक बार फिर आपके सामने अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नहीं है वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वो जो भी नए से नए वीडियो आए वो उनको देख सकें। अब बात शुरू करते हैं आज के विषय पर। तो हमारा आज का विषय है कि कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कदम देश की मान मर्यादा और सभ्यता के लिए उठे। कई जगह कुछ ऐसी बातें भी हुई जो देश के लिए चिंताजनक थी। बाकी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम कर रही है और निरंतर करती रहेगी। मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी एक पार्टी के समर्थन में बात कर रहा हूँ। कांग्रेस भी इस स्तर पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस प्रचार और प्रसार करने में जुटी हुई है। बाकी कुल मिलाकर मैं अपनी वार्तालाप शुरू करता हूँ। जिस हिसाब से भारत सरकार ने अपना काम किया है, पिछले देश में करीबन 60 से 70 दिनों में पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में रहा और निरंतर जो राज्य सरकारों के द्वारा प्रयास किए गए उनमें मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छा कार्य यूपी सरकार ने किया है। क्योंकि महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या हरियाणा हो, या पंजाब हो, या दिल्ली हो, इन सब के सभी प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। जिनका घर पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल में ब्लॉक है, जो कि रास्ता यूपी से होते जाता है। तो कुल मिलाकर सरकारें अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। बाकी विपक्ष थोड़ा सा दिक्कत किए हुए है और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज लाई, वो पैकेज कितना कारगर होगा या कितना फायदेमंद होगा इस विषय पर चिंता तो बाद में की जाएगी, लेकिन फिलहाल में वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इन सब चीज़ों से खुश नहीं, जबकि देश में ऐसी महामारी चल रही है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या विपक्ष हो, सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन विपक्ष छीटाकसी या तानाकसी करने में बाज नहीं आ रहा। बाकी आप मजदूरों को अगर उनके घर तक पहुंचा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इन सब चीज़ों पे तो ध्यान दीजिए कि केंद्र सरकार अगर जो काम कर रही है उस पर टांग ना रह जाए। बाकी इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है कि देश में कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, कई ऐसे मुद्दे भी उठ चुके हैं जिनमें अफसरों को निलंबित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है इन सब चीज़ों को। मैं तो यही कहूँगा कि भारत सरकार निरंतर देश में चल रही महामारी को रोकने में पूर्ण प्रयास कर रही है और जिस हिसाब से मेडिकल स्टाफ हो या फिर फोर्स हो, इन सभी को पूरा समर्थन दे रही है कि इस महामारी से लड़ने के लिए यही दो चीज़ें
ज़्यादा मैसेज हैं, लेकिन देश के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो लॉकडाउन का पालन करे। बाकी का मैं किसी एक धर्म के लिए बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एक धर्म की बात जब होती है तो सिर्फ एक ही धर्म ऐसा है जो भारत में अपने ऊपर बात को लेता है। आप समझ रहे होंगे मैं किस धर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मोदी सरकार जब तक है तब तक उस धर्म को कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग खुद समझें कि वो कितने सुरक्षित हैं इस देश में, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है उनको, और ना ही मोदी सरकार या योगी सरकार, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ही अहम फैसले ले रही है, कोई भी गलत काम नहीं कर रही। कई बार ऐसे मामले भी सामने आए कि पुलिस बल अगर क्वारंटाइन करने के लिए पहुंचा है तो उन पर पथराव भी हुआ, लेकिन ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। मैं भी अभी यही कहना चाहूँगा कि तमाम लोगों से मेरी विनती है कि वो लॉकडाउन का पालन करें, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी फैसले लें उन पर अमल करें, और बाकी का निरंतर मजदूर हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबको निरंतर उसके घर पहुंचाया जा रहा है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, विभिन्न दल विभिन्न सक्रिय दल या जितने भी एनजीओस जो कि निरंतर वर्क नहीं कर रहे थे, वो भी एनजीओस आज की डेट में आज की तारीख में लोगों को खाना खिला रहे हैं या जो भी उनसे बन पड़ रहा है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मोहल्ले या गली के लोग कंट्रीब्यूट करके आपस में लोगों की मदद कर रहे हों, या फिर कहीं से भी कुल मिलाकर लोगों को मदद दी जा रही है और लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इस परिस्थिति में भारत सरकार बहुत मदद कर रही है, और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि एक दूसरे पर ताना मारने से अच्छा है अपने अपने कामों में जुड़ जाएं। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय देश को एकजुट होकर कोरोना महामारी से लड़ने का है। मैं यही चाहूँगा कि लोग आपस में बने रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, और आपस में ना लड़ें। धन्यवाद।